लोगों को सरकार द्वारा पेंशन मिलती है, सरकारी नौकरी वाले होते हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद जिनको सरकार द्वारा पेंशन मिलती है, तो उनको हर साल जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में अपनी एक KYC करवानी होती है, जिसमें सरकार को एक प्रमाण देना होता है कि मैं जीवित हूँ। इसके बाद से उनको जो फिर से जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होती है, तो इसको कैसे किया जाता है स्टेप बाई स्टेप मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे ये होता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जीवन प्रमाण को, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए क्रोम में जाना है, क्रोम में जाके सर्च करना है जीवन प्रमाण। सर्च करने के बाद इसे डाउनलोड वाले लिंक पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और कैप्चा भरना है, जिससे आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा और ईमेल पे लिंक जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना भी करने के बाद आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भेज देंगे। तो ये डाउनलोड हो गया है, इसको जो है हम लोग जीप फाइल में तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कट करेंगे। ऊपर देखिए एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आप जो है इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आपका फिंगर डिवाइस जो भी होगा, मंत्रा मार्फो जो भी आपका फिंगर डिवाइस होगा, आपके PC में लगा होना चाहिए, ठीक है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लगा होना चाहिए, तभी जाके ये एप्लीकेशन काम करता है। फिनिश पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को रन करेंगे तो जीवन प्रमाण को आपको खोल लेते हैं। मेरा डिवाइस प्रॉपरली लगा हुआ है इसलिए ऐसे अचानक खुल गया है, मतलब ऐसे ही खुल जाएगा, डिवाइस ऐसे काम करेगा तो खुल जाएगा। और ऊपर जो है कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, जिनका भी जीवन प्रमाण बनाना है उनका आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, 12 अंक का आधार नंबर जो भी देख के सही से है उसको डाला जाएगा। और नीचे जो है मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे जो है ईमेल डालना है। ईमेल या मोबाइल दोनों पे OTP जाता है, आप जहाँ आपको नज़दीक पड़े सुविधा लगे वहाँ से आप अपना OTP उठा के डाल सकते हैं। तो OTP हम लोग ले लिए हैं, OTP लेने ओके को दबाएंगे और OTP डालने के बाद उससे सिलेक्ट PPO पर क्लिक करेंगे, अपने आप जो है PPO नंबर उठा लेता है। इनकेस यदि किसी का PPO नंबर अपने आप नहीं उठा रहा है तो आप मैनुअली खुद टाइप करके उनका PPO नंबर डाल देंगे। तो PPO नंबर डालने के बाद, उठाने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद सारा डिटेल आ गया है, किस अकाउंट में पैसे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किस विभाग से आता है, सारा चीज़ इसमें आ गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, रेलवे से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये पेंशन आता है, ये सारा मिला लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को कंसेंट देंगे और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार और इस पे दबाएंगे और उसके बाद से नीचे आ जाएंगे, बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करेंगे, फिर कंसेंट देंगे और बगल में बायोमेट्रिक स्कैन है उसको दबाएंगे। अब फिंगर में लाइट जाना शुरू हो गया है तो कस्टमर को बोलेंगे फिंगर लगाने के लिए, उंगली रखेगा और फिंगर लगाएगा तो कैप्चर, उसका फिंगर का डाटा सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है। अब जो है अपने आप जो है वो फाइल आ जाती है, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटर आपका कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ये कलर भी प्रिंट हो जाता है और ये आप जो है PDF की कॉपी जो है प्रिंट आउट जो है कस्टमर को दे सकते हैं। इस तरीके से आप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं।